नगर भवन में शनिवार को राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की अध्यक्षता में गिरिडीह जिले के सभी पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी व सदस्य शबनम के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित मुखिया को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभ से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जोड़कर लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने बताया कि इस प्रकार के संवाद का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रति जागरूक करना, साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के से संबंधित नियमों का आम जनमानस किस प्रकार से लाभ ले सके और अगर यदि कोई शिकायत है तो कैसे उनका उचित निदान हो सके। मौके पर अपर समाहर्ता आईएएस प्रशिक्षु डीआरडीए निदेशक सिविल सर्जन जिला आपूर्ति पदाधिकारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सभी पंचायतों के मुखिया व कई संबंधित अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। 5% बच्चे कुपोषण से पत्रकार बंधु हमारे मुख्यमंत्री झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय चेयरपर्सन होने काफी होते हैं और इसी तरह झारखंड राज्य तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा बहुत सुंदरमान हो इन तीनों का हौसला बुलंद करना है कि स्वयं सहायता खाद्य आयोग राज्य के हर जिले में मुखिया संवाद कार्यक्रम कर रहा है। मुखिया संवाद कार्यक्रम करने का मूल उद्देश्य ये है कि जितने एनएफएसए से संबंधित योजनाएं हैं वो केंद्र पोषित हों राज्य पोषित हों सभी योजनाओं के बारे में बताना और उन योजनाओं का क्रियान्वयन पर धरातल पर नहीं हो रहा है तो उसको कैसे प्राप्त करना है, शिकायत कैसे करनी है, जिले में कैसे करनी है, राज्य स्तर पर राज्य खाद्य आयोग में शिकायत कैसे करनी है, मुखिया के क्या अधिकार हैं, उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं, उन सारे चीज़ों को बताने के लिए ये कार्यक्रम राज्य भर में किया जा रहा है और गिरिडीह ये 22वां जिला है और आयोग की पहली कोशिश ये है कि हर व्यक्ति को उनके अधिकार बताए जाए, इसलिए आयोग ने टैगलाइन बनाया है अधिकार जाने और अधिकार मांगे। आयोग ये मानता है कि अधिकार लोग जान जाएंगे तो अधिकार मांगने लगेंगे, क्योंकि हम राज्य की सभी जनता से सीधा संवाद नहीं कर पाने में सक्षम थे, इसलिए हमने मुखिया को संवाद सूत्र के तौर पर रखा है और मुखिया को जागरूक करके मुखिया से अपेक्षा है कि वो अपने पंचायत के सभी लोगों को जागरूक करें और उनको उनका अधिकार बताएं।